हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि हियर। वेलकम टू तुलिता आहार चैनल। आज हम कच्चे आम का चटपटा मसालेदार पुलाव बनाने जा रहे हैं। ये एक कच्चा आम लिए हैं और ये मसाले लिए हैं और इतना ही चावल लिया है। चावल बनके तैयार है, अब मसाला रेडी करेंगे। कच्चे आम को ग्रेट कर लेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, गैस हाई फ्लेम में रखा है। 1/4 टीस्पून मस्टर्ड डालेंगे ड्राई और ये 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून हींग डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्ची, 3 पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी। गैस बंद कर दिया है, अब मसाला डाल देंगे। ये 1/4 टीस्पून हल्दी डाले हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर, अदरक पिसा हुआ डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। अब मसाला को थोड़ा फ्राई कर लें। गैस अभी बंद ही है, अभी ये जो ग्रेट किए थे कच्चा आम वो डाल देंगे, इसको 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्लेम लो फ्लेम में ही रखें। ये राइस बॉईल हुआ मिला देंगे। गैस को लो फ्लेम में रख के 1 टेबलस्पून तेल डाला है और ये भीगी हुई चना दाल उसमें डाल रहे हैं। दाल को 2 मिनट तक तेल में फ्राई कर लिए हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर और 1 पिंच थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको चावल में मिला लेंगे। कच्चे आम का चटपटा मसालेदार पुलाव रेडी है। एंजॉय कीजिए इसको। थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज लाइक, share and subscribe to Tulita Ahar.